हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिगरेट स्मोकिंग की लत छुड़ाने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में। दोस्तों, आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें स्मोकिंग की आदत है और वो इसे छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। स्मोकिंग करना हमारी सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। इससे आपको दमा, टीबी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ होती हैं, लेकिन कई लोगों को बिगड़े सिगरेट पीने की लत होती है और वो उसे छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन इस लत को छोड़ पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। स्मोकिंग करने वाले लोगों को साथ अक्सर ये समस्या होती है कि उन्हें बार बार स्मोक करने की, बार बार सिगरेट पीने की इच्छा होती रहती है। ऐसे में वो चाह कर भी अपनी इच्छा को दबा नहीं पाते हैं। अगर आप सिगरेट की लत को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। आप चाहे तो सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों की मदद भी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट छुड़ाने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में। दोस्तों, स्मोकिंग की लत छुड़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पानसरे की दुकान पर मिलने वाली मुलेठी की जड़। दोस्तों, मुलेठी स्मोकिंग को छोड़ने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। मुलेठी का हल्का मीठा स्वाद सिगरेट की तलब को कम करने में आपकी काफ़ी मदद करता है। इसके साथ ही मुलेठी में मौजूद कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी थकान को दूर करने और आपको एनर्जेटिक फील करवाने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। जब भी आपको सिगरेट पीने का मन हो तो आपको एक मुलेठी का छोटा सा टुकड़ा मुँह में रखकर उसे चूसना शुरू कर देना है। वहीं आप चाहे तो इसकी चाय बनाकर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आप स्मोकिंग की आदत को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है दालचीनी। स्मोकिंग की आदत से छुटकारा पाने के लिए आप दालचीनी का इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं, और दालचीनी हर घर में मौजूद तो होती ही है। दोस्तों, दालचीनी में विटामिन, प्रोटीन, सोडियम, थायमिन और फॉस्फोरस और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिशनल तत्व मौजूद होते हैं, और इसका तीखा और कड़वा स्वाद सिगरेट की तलब को कम करने में आपकी मदद करता है। दालचीनी आपके दिमाग की एक्टिविटी को बढ़ाता है और आपके तनाव को कम करने में भी मदद करता है। जब भी आपको सिगरेट पीने का मन हो तो आप दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखकर इसना चूसना शुरू कर दें। इसके अलावा आप स्मोकिंग को छुड़ाने के लिए शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, शहद के सेवन से स्मोकिंग की लत छोड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। शहद में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल होते हैं जो सिगरेट की तलब को कम करने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। स्मोकिंग की आदत से छुटकारा पाना अगर आप चाहते हैं तो आप रोज़ एक गिलास गुनगुने पानी में एक छोटा चम्मच शहद डालकर इसे घोलकर ज़रूर पिए। इससे जिस्म के कई तरीके से फ़ायदे होते हैं। साथ ही साथ आप इसमें आंवले का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। आंवले के इस्तेमाल से आपको सिगरेट छोड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके लिए आपको अदरक और आंवले को बराबर मात्रा में लेना है और इसके बारीक 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 टुकड़े करके उन्हें सुखा लेना है, और उस पर नींबू और नमक डालकर इसे कंटेनर में स्टोर करके रख लेना है। दोस्तों, जब भी आपका सिगरेट पीने का मन हो तो आपको उसमें से एक टुकड़ा लेकर इसे मुँह में डालकर चूसना शुरू कर देना है। इससे आपको सिगरेट पीने की इच्छा कम होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आप इसके बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए अपने पानी पीने का इस्तेमाल बढ़ा दें। पानी भी हमें स्मोकिंग की लत छुड़ाने में काफ़ी मदद करती है। आपको डेली 8 से 10 गिलास पानी एक्स्ट्रा पीना चाहिए। दरअसल पानी हमारे जिस्म में मौजूद टॉक्सिक मेटल को बाहर निकालने में मदद करती है, और आज से आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और आपका मेटाबॉलिक रेट भी कंट्रोल में रहता है। इससे आपकी स्मोकिंग की आदत धीरे धीरे छूटने लगती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी इनकी आदत छुड़ाने में आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।